आईएसआईएस ने 22 मिनट का वीडियो जारी कर भारत में कहर बरपाने की धमकी दी है। वीडियो में कहा गया है कि आईएस स्थानीय जिहादियों की मदद से हमले करवाएगा। सीबीएसई के 12वीं के आज नतीजे आएंगे। दोपहर 12 बजे नतीजे घोषित होंगे। करीब 10,70,000 छात्रों ने परीक्षा दी है। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी विकास पर्व मनाने की तैयारी कर रही है। 26 से 25 जून तक ये विकास पर्व मनाया जाएगा। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी ने थीम सॉन्ग जारी किया है। इस गाने के जरिए मोदी सरकार के 2 साल में किए गए कामों का जिक्र किया है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु क्षिप्रा में स्नान करने पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह ने वीरभूमि जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीलंका में भारी बारिश और बाढ़ के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने भारी मात्रा में रसद, जरूरी सामान और दवाइयां श्रीलंका भेजी है। दिल्ली में एक अफ्रीकी मूल के शख्स की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अफ्रीकी युवक का कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया। बिहार में शराब के बाद अब पान मसाला गुटखा पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये बैन आज से ही लागू हो गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्याज के गिरते दामों के खिलाफ किसानों में खासा रोष है, जिसके चलते किसानों ने मुंबई नागपुर हाईवे पर प्याज फेंक कर अपना विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलेंगे। पीएम अमेरिका यात्रा पर जा रहे व्हाइट हाउस में उनकी ओबामा से मुलाकात होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति की यात्रा 24 से 27 मई तक रहेगी। प्रधानमंत्री 4 जून को कतर यात्रा पर जाएंगे, ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी है। योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यूजीसी मन मना रहा है कि फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन और मास्टर्स के कोर्स में योग को भी शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। आर्मी के जवान इसमें जुटे हुए हैं। राजौरी, बालाकोट और बलनोई में आग लगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी पर पाकिस्तान कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया, जिसमें लखवी समेत 6 लोगों पर हत्या के लिए उकसाने का केस चलाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने नीट को 1 साल के लिए टालने के अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। पीएम की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश जारी करने का फैसला लिया गया है। नीट के लिए अध्यादेश जारी होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने देर रात अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीट को खत्म नहीं किया जा रहा है, इसे लागू किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बिजली चलेगी और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। बिहार के गया रोडरेज मामले पर सियासत नहीं थम रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार के पोस्टर जारी किए हैं। इन पर लिखा है, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, कृपया गोली न मारें। एनआईए ने आतंकी अब्दुल वाहिद को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। वाहिद इंडियन मुजाहिदीन द्वारा भारत में कराए गए आतंकी हमलों में वॉन्टेड। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक की रैली में पाकिस्तान और लश्कर के झंडे लहराए गए। लोगों ने हाथों में झंडे और मुंह ढककर जमकर प्रदर्शन किया। बिहार के सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन के परिजनों से मिले समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार। उमेश कुमार ने पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा दिलाया, बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाने की भी बात कही। राजीव रंजन की हत्या के बाद उनका पूरा परिवार बेहद सदमे में है। परिवार खुद को बिहार में बेहद असुरक्षित महसूस कर रहा है, ऐसे में बिहार छोड़ने का फैसला उन्होंने किया है। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर के रोआनू साइक्लोन ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। तटीय इलाकों में हालात खराब है, तेज हवा और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान में प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, यहां पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है और किसी तरह खुद को गर्मी के प्रकोप से लोग बचा रहे हैं। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के लिए राहुल द्रविड़ जबकि गेंदबाजी कोच के लिए जहीर खान सबसे बेहतर विकल्प है। भारतीय कुश्ती महासंघ की अनुशासन समिति ने उन पहलवानों की सजा माफ करने की सिफारिश की है जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक क्वालिफाइंग इवेंट के दौरान अपने अपने मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया था।
आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स ने हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। आज कानपुर में गुजरात लॉयंस और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। देश में जल्द ही नए डिजाइन वाले नोट जारी हो सकते हैं। आरबीआई ने जारी एक बयान में कहा है कि केंद्रीय बोर्ड ने सरकार को नई बैंक नोट श्रृंखला के लिए कुछ डिजाइन के सेट की सिफारिश की है, जो सरकार की मंजूरी के बाद उचित समय पर उपयोग की जाएंगी। पैनासोनिक ने इल्यूगा 12 स्मार्टफोन की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इसके नए वेरिएंट लॉन्च किए हैं। इनमें पहले से बेहतर कैमरे और मेमोरी दी गई है। एचएसबीसी भारत से कारोबार समेटने की तैयारी में है। ये विदेशी बैंक भारत में चल रही 50 में से 24 शाखाओं को बंद करने वाला है। ये शाखाएं 14 शहरों में हैं। फोर्ड इंडिया ने भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट की 48,700 यूनिट वापस उठाने का ऐलान किया है। कंपनी ने इनमें फ्यूल और ब्रेक की जांच करने के लिए इन्हें वापस मंगाने का ऐलान किया है। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौलाना आजाद मेमोरियल एकेडमी कई वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इस मौके पर बेसिक शिक्षा मंत्री समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बिजनौर में दावते वलीमा के दौरान दो पक्षों में जमकर फायरिंग पत्थरबाजी हुई, जिसमें 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। बुलंदशहर में 8 साल की पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झड़प हुई, जिस पर 58 साल की एक महिला की मौत हो गई। रायबरेली में एक महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मथुरा में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा में बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बन रही मंडी की छत की शटरिंग के टूटने से आधा दर्जन मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ में सांसद द्वारा लिए गए गांव बहरावत का विकास न होने पर ग्रामीणों ने बीजेपी सांसद सतीश गौतम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय युवक ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए देवी मां के मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। संत कबीर नगर में मनरेगा योजना के तहत जलाशयों में पानी के आदेश के बाद भी एक बूंद पानी नजर नहीं आ रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कागजों पर ही पानी भरते नजर आ रहे हैं। आगरा में 2 मुल्कों की दूरी घटाने के लिए इंडो पाक लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें पड़ोसी मुल्क से आए छोटे और बड़े दुकानदार शिरकत कर रहे हैं। वाराणसी में विलुप्त हो रही चिड़ियों की प्रजाति के लिए केपीएस संस्था एक मुहिम चला रही है। इसके अंतर्गत रंग बिरंगी टोकरियों में पक्षियों के लिए पानी और दाना रखा जा रहा है। मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर द्वारिकाधीश में नरसिंह लीला महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मिले। लखीमपुर खीरी के डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डीएम का कहना है कि नंबर जारी होने से लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा। बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान में धान की ऐसी प्रजाति तैयार की गई है जो कम पानी और कम समय में ज्यादा पैदावार देगी। खास बात यह है कि इन प्रजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित भी कर लिया है। कन्नौज में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगा दिया। आगरा के जगदीशपुरा थाना इलाके में एक जूता फैक्ट्री में आग लग गई। आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल किया है। पिछले हफ्ते 48 डिग्री तापमान बना हुआ है। लोगों को पानी के संकट से भी जूझना पड़ रहा है। आगरा के सैनिक विहार कॉलोनी के रहने वाली कक्षा 11 की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। शोधों ने एसिड अटैक की धमकी दी है। छात्रा की शिकायत पहले पर शोधा जेल जा चुका है, लेकिन जमानत पर के बाद फिर से लड़की को परेशान कर रहा है। सीतापुर में 60 साल के बुजुर्ग पर 2 बाइक सवार लड़कों ने तेजाब से हमला कर दिया, फरार हो गए। इसमें बुजुर्ग बुरी तरह झुलस गए। शामली के काजीपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में ग्राम प्रधान की गुंडई चल रही है। भोजन माताओं के मानदेय पर यहां साइन नहीं कर रही है। 1.5 साल से उनका मानदेय अटका हुआ है। दिल्ली में बीएसपी ने अहम बैठक कर मिशन 2017 पर मंथन किया। मायावती ने बैठक में स्वामी प्रसाद मौर्य, सतीश चंद्र सिद्दीकी समेत सभी दिग्गज नेताओं की भी राय शुमारी की। बीएसपी ने सतीश चंद्र मिश्र और अशोक सिद्धार्थ को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया। वहीं विधान परिषद के लिए अतर सिंह राव, दिनेश चंद्रा, सुरेश कश्यप के नाम की घोषणा की गई है। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने बजट में आम नागरिकों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं से अवगत कराया। असम में मिली जीत को ऐतिहासिक बताया।
आगरा में बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के आवास पर फतेहाबाद विधायक छोटेलाल वर्मा से बातचीत हुई है। बीजेपी में शामिल होने की बात को लेकर यहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राज बब्बर आगरा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि ये आत्ममंथन का वक्त है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जीत आरएसएस की है, बीजेपी की नहीं। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने रात में औचक निरीक्षण किया। न सिर्फ तमाम खामियां मिली बल्कि वहां डॉक्टर बैडमिंटन खेलते हुए नजर आए, जिससे मंत्री गुस्सा गए। ऐश्वर्य की फिल्म सरबजीत यूपी में टैक्स फ्री हो गई है। आज ये कल पर्दे पर उतर चुकी है सरबजीत। प्रोड्यूसर जैकी भगनानी समेत पूरी टीम ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। 26 मई को सहारनपुर में पीएम की रैली की तैयारी के लिए शामली में बीजेपी नेताओं ने भी कमर कस ली है। बीजेपी नेताओं ने शामली की नगर पालिका में एक मीटिंग का आयोजन कर सहारनपुर में होने वाली रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की। सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी कमिंग सून के पोस्टर को वायरल करने, टीम पीके के सामने प्रियंका को सूबे की कमान सौंपने की मांग को उठाने वाले दो कांग्रेसी नेताओं पर गाज गिरी है, जिन्हें जिला महासचिव पद से हटा दिया गया। बरेली में सुहागरात के दिन हुआ सनसनीखेज खुलासा। दरअसल जिसे शादी करके लाया गया वो किन्नर निकली, जिसके बाद दूल्हे के घर में कोहराम मच गया। फिरोजाबाद में 11वीं के छात्र ने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल जैसे क्राइम शो से प्रभावित होकर 6 साल के मासूम का अपहरण किया, फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी। बरेली में डीआईजी ने अपनी स्पेशल टीम से सट्टेबाजों का स्टिंग कराया, जिसके बाद डीआईजी ने कहा कि सट्टा पुलिस करा रही है। सीतापुर में बुजुर्ग दंपति से दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीतापुर बैंक से रुपए निकाल के ये लोग घर जा रहे थे। बादल शहर की कई मोहल्लों की सैकड़ों महिलाओं ने पेयजल की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया और पेयजल आपूर्ति की मांग की। सीतापुर में गाय के खेत पर जाने से नाराज भतीजे ने चाचा को गोली मार दी, चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर के दर्जनों लोग बाबूपुरवा स्थित जलकल कार्यालय पहुंचे, जोरदार नारेबाजी करते हुए कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया। बिजनौर में छात्रा के अपहरण के मामले को लेकर परिजनों और लोगों ने बाजार में हंगामा किया, पुलिस ने शहर नगीना को छावनी में तब्दील कर दिया। झांसी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने चोरी के शक में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को जमकर पीटा और उनकी आंख में डंडा डाल दिया, जिससे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। बरेली में महंगे शौक पूरा करने के लिए एलएलबी का छात्र बाइक चोर बन गया। बरेली ही नहीं बल्कि मंडल भर के बाइक चोरी की घटनाओं में ये शामिल था। मथुरा में थाना बलदेव पुलिस ने 7 छाती चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए अलग अलग कंपनियों के 52 LCD और LED TV बरामद किए। पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा में मेरठ से ऑनलाइन नकल का मामला सामने आया है। पुलिस ने ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मऊ में नियुक्ति के लिए नए अभ्यर्थी जब जिला अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराने पहुंचे तो उनसे अवैध वसूली की गई। अमेठी में 17 मार्च को डॉक्टर धर्मेंद्र शुक्ला से बाइक सवार 3 बदमाशों ने 14,000 रुपए के साथ गले की चेन और मोबाइल लूटा था। पुलिस ने फिलहाल केशवपुर के पास तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके लूट का सामान बरामद कर लिया है। मुरादाबाद में थाना गल शाहिद पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा करते हुए यहां पर एक छोटी सी कोठी में चल रही कारोबार में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद के विकास भवन में बने कृषि विभाग ने अपने ही एक कर्मचारी को 27 साल बाद विभाग में 71,000 रुपए के गबन के मामले में रिकवरी के आदेश दिए हैं। बिजनौर में शादी में खाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, फायरिंग 4 लोगों को गोली लगी है, 4ों की हालत नाजुक बनी हुई है। लखनऊ के थाना हजरतगंज के VVIP गेस्ट हाउस के सामने निर्माणाधीन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बाउंड्री दीवार गिरने से बगल में खड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ हो रही अलग अलग समस्याओं को लेकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन हुआ। छात्रों का कहना है कि विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे पुराना संगठन है। बिजनौर के नगीना में दिन दहाड़े बाइक सवार 2 युवकों ने एक छात्रा के अपहरण का प्रयास किया, लेकिन छात्रा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने अपहरणकर्ताओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सहारनपुर के तहसील बेहट क्षेत्र में शिवालिक जंगल में बसे वन गुर्जरों के सामने पीने के पानी का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। वन गुर्जरों को नदी का गंदा पानी ही पीना पड़ रहा है। हरदोई में अवैध शराब के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने 50 लाख रुपए की देशी और विदेशी शराब जब्त की है।
लखनऊ में चार महीने बीत जाने के बाद भर्ती बोर्ड द्वारा कोई ठोस कदम न उठाए जाने से नाराज पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों ने हसनगंज में भर्ती बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। बुलंदशहर में डेयरी का कैश लेकर लौट रहे दो युवकों से 1,72,000 की लूट हुई। दो बाइक सवार 5 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में जिंदर मार्केट के सामने दो पुलिस वालों की पिटाई का मामला आया है। बताया जा रहा है कि रोड पर पुलिस वालों की पिटाई की गई और उसके बाद बदमाश भाग गए। हरदोई में एक शिक्षक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शिक्षक एक स्विमिंग पूल में नहाने गया था, वहीं उसे कुछ लोग अस्पताल लेकर छोड़कर भाग गए। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर प्रियंका गांधी को सक्रिय करने की मांग दोहराई। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी हुआ है जिसमें प्रियंका गांधी को लेकर ये नारे लिखे गए थे। नोएडा के सेक्टर 11 में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने स्टोरकीपर के हथियारों के बल पर 2,00,000 रुपए लूट लिए। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के रामघाट रोड पर शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लगी। लोगों में हड़कंप मच गया तो एक घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। बादा के देहात कोतवाली क्षेत्र के पथरी गांव में एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बिजरौर में एक शादी में खाने को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। मारपीट फायरिंग में 4 लोग जख्मी हो गए। हमीरपुर में नगर विकास कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व में नगर पालिका के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कानपुर देहात में शराबी पति और उसकी पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर हत्या कर दी। शराब की वजह से पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। अमरोहा की गजवाला पुलिस ने हरियाणा से तस्करी करके लाई जा रही 16 पेटी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिजनौर में एक किसान की गोली मारकर देर रात हत्या कर दी गई। किसान अपने खेत में रात को पानी देने के लिए गया था। बहराइच में क्राइम ब्रांच की स्वात टीम ने छापेमारी कर नकली डीजल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। 11 अप्रैल को गाजीपुर से शुरू हुई किसान जागरण यात्रा लखनऊ पहुंची। पैदल चलकर पहुंचे 300 किसानों ने यात्रा का समापन किया और किसानों की मांग है कि बुंदेलखंड को जल्द से जल्द वाटर एक्सप्रेस भेजी जाए। गोरखपुर में हुई एसटीएफ से मुठभेड़ में मारे गए पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र सिंह की क्राइम कुंडली को एसटीएफ एसएसपी अमित पाठक ने गोरखपुर पुलिस लाइन में रखा। धर्मेंद्र सिंह के ऊपर कुल 37 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हत्या लूट रंगदारी के भी मामले शामिल थे। हाथरस पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 7 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 7 चोरी की बाइक, 1 टाटा सफारी कार, 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में शौच के लिए निकले ग्राम प्रधान की दबंगों ने गला काटकर हत्या कर दी। साथ ही हत्यारे प्रधान का सिर काटकर अपने साथ ले गए। झांसी के रेलवे प्लेटफार्म नंबर 6 पर एक 22 साल की युवती को अज्ञात युवक ने आग लगा दी जिससे गंभीर रूप से झुलस गई। विदेश भाग चुके करोड़पति विजय माल्या का एक और धोखा सामने आया है। पीलीभीत के गरीब किसान को विजय माल्या के लोन का गारंटर बना दिया गया जिसकी खबर खुद किसान को नहीं है। फिलहाल इसका खामियाजा किसान को ये भुगतना पड़ रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थित उनके जो भी बैंक अकाउंट थे उन्हें सीज कर दिया गया है। एटा में एक कार्यक्रम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक छात्रा की मौत होगी। डीजे पर डांस करते वक्त फायरिंग में एक घटना हुई। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े छात्र की हत्या कर दी। बदमाशों ने बाजार जा रहे बीकॉम के छात्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। झांसी के ग्राम बदनपुर में ग्रामीणों में फैली दहशत। गांव में बीती रात सेना का एक बॉम्ब गिरा जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी में मथुरा के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में बिजली की जमकर बर्बादी हो रही है। देवरिया शहर के नजदीक बहने वाले कुडना नाला प्रदूषित हो चुका है। नाले में डाला जा रहा है शहर का सारा कचरा। राजनीतिक विरोधी हरक सिंह रावत की जमीन को लेकर भी हरीश रावत ने एसआईटी का गठन करने के निर्देश दे दिए। हरक सिंह रावत की सहसपुर में जमीन है जिसको लेकर हाईकोर्ट तक मामला चला था। हरक सिंह रावत को राहत मिली थी लेकिन एक बार फिर से इस मामले को राजनीतिक बदला लेने की नीयत से उठाया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। पीडीएफ ने जहां दावेदारी पेश की है वहीं कांग्रेस हरीशचंद्र दुर्गापाल पर दांव लगाने की तैयारी में है। बीजेपी ने स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल पर एक बार फिर हमला बोला है। मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अगर स्पीकर जानते थे कि 18 मई को 9 बागी विधायक सरकार के विरोध में थे तो फिर उन्होंने अल्पमत की सरकार का बहुमत कैसे साबित किया।
विकासनगर में चक्राता पोखरी गांव में परिवर्तन यात्रा के दौरान राज्यसभा सांसद तरुण विजय और दौलत कुमार समेत समिति के लोगों पर स्थानीय लोगों ने शिलगुड़ देवता के दर्शन के दौरान पथराव किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। देहरादून के पोखरी गांव में बीजेपी के राज्यसभा सांसद पर हुए हमले पर बीजेपी प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस में बागी हुए पूर्व विधायक उमेश शर्मा काओ ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके बाद पहली बार देहरादून पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। राज्य में 10,000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर विश्व शांति के उद्देश्य से विश्वनाथ जगदीशिला डोली रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून पहुंचकर डोली को कंधा दिया। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 18 मार्च से राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और जो भी घटनाक्रम पर न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया गया है, 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। हालांकि सिंह मामले की जांच अलग से एसआईटी करेगी। सूखे की मार झेल रहे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने बदलते मौसम से राहत की सांस ली है। पानी की कमी के चलते बिजली उत्पादन काफी कम हो गया था, ऐसे में बाहर से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही थी। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने यूपीसीएल और पिटकुल के करोड़ों के हेरफेर का खुलासा किया है। उन्होंने 9 बिंदुओं पर सरकार से जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि यूपीसीएल के एमडी पर नियम के खिलाफ लोगों की नियुक्ति करने और ठेकेदार से मिलीभगत के आरोप। देहरादून में सरकार ने सभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंपों को दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने मॉनिटरिंग के अभाव का हवाला देते हुए बीते अप्रैल महीने में शहर भर के 2 दर्जन से भी ज्यादा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स को बंद करा दिया था। देहरादून में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्री मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। पहले यात्रियों के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा उपलब्ध होती थी, लेकिन इस बार उन्हें फीस देनी पड़ रही है। कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत छिद्रो पावर हाउस के पास टोंस नदी में 11 मई को विकासनगर के 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। सितारगंज और नानकमत्ता में अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानों में आबकारी विभाग ने छापा मारा और मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री पर नोटिस जारी किया। लालकुआ की गोला नदी में इमली घाट निकासी गेट पर खनन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और इसमें गोलियां भी चली, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। विकासनगर में डंपर ने पैदल जा रहे राहगीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। रुद्रपुर के पंतनगर एयरपोर्ट के पास एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें टेम्पो सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए। नेचुरल गैस न मिलने के कारण काशीपुर के 2 पावर प्लांट श्रावंती और बीटा लंबे समय से अधर में लटके हुए हैं, जिसके चलते रोज इन प्लांटों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। उधमसिंह नगर में मुख्य विकास अधिकारी ने मनरेगा, एनआरएलएम और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी तमाम योजनाओं को लेकर अहम आदेश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी हर महीने समीक्षा की जाएगी। मसूरी के भटोली गांव में उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रीतम पवार ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर पवार ने कहा कि खेल का मैदान न होने के बावजूद खिलाड़ियों में खेल के प्रति काफी उत्साह है। नैनीताल जिले के प्राथमिक शिक्षक पदोन्नति की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षकों ने कार्यालय में तालाबंदी कर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। हल्द्वानी को टनकपुर से जोड़ने वाली सड़क में अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत से सड़क निर्माण और पुलिया के निर्माण में धांधली बढ़ती जा रही है। गुणवत्ता विहीन यहां पर निर्माण हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए काम रुकवा दिया। श्रीनगर के मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर लोगों की जान ले रहा है। खुद को ठंडा रखने के लिए लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके में सड़क को जोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस इलाके में सड़क का सर्वे 20 साल पहले हुआ था, लेकिन निर्माण अब तक नहीं हुआ। विकासनगर के चौंसार बाबर के त्यूणी में थाना खोले जाने के फैसले को निरस्त करने पर जनता काफी गुस्से में है। हरीश रावत सरकार के फैसले के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। कोटद्वार में 15 साल की लड़की की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुई है। दून मेडिकल कॉलेज के महिला वार्ड की अचानक छत गिर गई। हादसे में एक महिला और उसका नवजात बच्चा बाल बाल बच गए। अस्पताल के में इस घटना के बाद अफरातफरी मच गई। रुद्रपुर के कच्ची खमरिया गांव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। शराबी पिता ने अपने बेटा बेटी और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बागेश्वर में गोष्ठी के माध्यम से जागो उत्तराखंड जागो अभियान शुरू किया गया। अभियान कई चरणों में संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में चलाया जाएगा। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के लिए कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं को ना तो पीने का पानी मिल रहा है, ना ही खाना।
रुकी के कलियर दरगाह में नोटों की गिनती अब हफ्ते में दो बार होगी, जिसका जिम्मा तहसील प्रशासन को सौंपा गया है। साथ ही वीडियोग्राफी भी इसकी कराई जाएगी। ऋतिक रोशन जल्द ही निर्देशक संजय गुप्ता की फिल्म काबिल में बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतमी के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। खबर है कि फिल्म के लिए ऋतिक और यामी रात में शूटिंग कर रहे हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में सरबजीत की स्क्रीनिंग के मौके पर अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या से बुरा बर्ताव किया और इस साफ तौर पर स्क्रीन पर नजर आ रहा था। पिछले कई महीनों से सिल्वर स्क्रीन से दूर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के फैंस अब जल्द ही उन्हें फिर से पर्दे पर देख पाएंगे। सोनाक्षी और जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स 2 की रिलीज डेट फाइनल हो गई है, ये 18 नवंबर को रिलीज हो रही है। शाहरुख ने एप्पल के सीईओ टिम कुक के लिए डिनर पार्टी का आयोजन किया था, इस पार्टी में आमिर खान ने भी शिरकत की। लूलिया वंतूर और सलमान की शादी की इतनी चर्चा है कि सलमान को इसकी चिंता सताने लगी। अजय देवगन इन दिनों शेवाई की शूटिंग में व्यस्त है। अजय देवगन न सिर्फ फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं बल्कि इसके निर्देशक भी खुद ही हैं। एक बार फिर अनुष्का शर्मा लिप जॉब को लेकर चर्चा में, 2 साल पहले इसी वजह से चर्चा में अनुष्का एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बाद में दोबारा इस वजह से टॉप ट्रेंड में छा गई। इंटरव्यू में अनुष्का ने कहा कि उन्होंने लिप जॉब बॉम्बे वेलवेट के लिए करवाया था। अभिनेत्री हुमा कुरैशी और विद्युत जामवाल को एक म्यूजिक वीडियो में साथ देखा जाएगा, इस गाने के लिए राहत फतेह अली खान को लिया गया है। अभिनेता अनिल कपूर ने शुक्रवार को ट्विटर पर वयस्क एनिमेशन शो फैमिली गाय का फर्स्ट लुक शेयर किया। हाल ही में एक पार्टी के दौरान ऋतिक और सुजैन एक साथ नजर आए, ऋतिक कंगना विवाद के बाद सुजैन और ऋतिक में नजदीकियां देखने को मिल रही है।